अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुशाहिद है और आज मैं बात करूंगा वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप के हवाले से जो अभी रिसेंटली हुई है तुर्की में, जिसमें इस दफ़ा हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह 3 प्लेयर्स ने कम्पीट किया है, पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अली भाई, उस्मान भाई और मुदीन भाई थे। खैर, अली भाई का तो सबको पता है कि वो इससे पहले भी कई दफ़ा कम्पीट कर चुके हैं वाफ के इवेंट्स में, लेकिन उस्मान भाई और मुदीन भाई के लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, उनका फ़र्स्ट टाइम था इंटरनेशनली कम्पीट करने का वाफ के इवेंट में। तो सबसे पहले तो यही उम्मीद करते हैं कि उन्होंने अपनी इस जर्नी से काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की होंगी, देखी होंगी। तो बात की जाए अगर मोटिवेशन और डेडिकेशन की, तो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग में डेडिकेशन और मोटिवेशन प्लेयर्स की बहुत हाई होती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कई प्लेयर्स जो हैं अपना टाइटल सिक्योर करने के लिए भी कम्पीट करते हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि एक दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बन गया तो बस ख़त्म। वहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स भी आए होते हैं जो कि अपनी कैटेगरी में 10-10 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बने होते हैं। तो इसकी अगर एक छोटी सी एग्जांपल दी जाए तो कोच रे जो है वो इस दफ़ा अली भाई और उस्मान भाई की कैटेगरी में था, तो वो बंदा जहाँ भी वर्ल्ड में आर्म रेसलिंग हो रही हो इंटरनेशनली जिस जगह भी, तो वो मोस्टली इवेंट्स में हमें दिखाई देता है, या तो एज अ कमेंटेटर या तो एज एन एथलीट वो हमें दिखाई देता है। वहाँ पर पूरा साल ही वो बंदा जो है तो अपने आर्म रेसलिंग टूर पे रहता है, ट्रेनिंग वो लोग नहीं छोड़ते, जबकि यहाँ हमारे यहाँ हम लोग ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, कोई टूर्नामेंट बड़ा गुजरे, कोई मैच गुजरे, तो या किसी इंजरी का बहाना बन जाता है हमारी, या फिर कोई फैमिली इशूज बन जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग ट्रेनिंग से साइड पर हो जाते हैं, जबकि उन लोगों का ये सीन नहीं होता। वो लोग सिर्फ जब इंजरी हो तो इसलिए उनका ऑफ सीज़न होता है, उसके अलावा वो पूरा साल ट्रेनिंग में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें वो कम्पीट करते रहते हैं लगातार। और यही चीज़ जो है, यही कंसिस्टेंसी जो है इंसान को चाहिए होती है। उसके बरक्स अगर यहाँ पे हम बात कर लें, अपने मुल्क में बात अगर की जाए, तो यहाँ पे ये है कि हम लोग गेम को कंटिन्यू नहीं रख पाते। अगर किसी चीज़ में गैप आ जाए, तो ट्रेनिंग में गैप आ जाए या फिर कंपटीशन में गैप आ जाए, तो वो फिर नेचुरली जो है इंसान काफ़ी पीछे चला जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हार्ड वर्क नहीं छोड़ना चाहिए बंदे को। तो अगर इंटरनेशनल का माइंडसेट बना हुआ है तो ट्रेनिंग का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा कि जी इतने मंथ ट्रेन करना है, ये करना है, वो ट्रेनिंग जो है पूरा साल कंटिन्यू रखनी है, और ट्रेनिंग भी इस हिसाब से करनी है ताकि कोई इंजरी वगैरह ना हो। प्रैक्टिस सेशंस में और या फिर ट्रेनिंग सेशंस में जो है तो बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा। और अगर बात की जाए हमारे पाकिस्तान में जो है, तो वो प्लेयर्स हैं इस तरह, काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं इंटरनेशनली कम्पीट करने का, तो बस ये है कि उनके भी कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो लोग कम्पीट नहीं कर पाते। कई दफ़ा तो अपने मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनमें भी कम्पीट नहीं कर पाते प्लेयर्स, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जिस तरह उस्मान भाई और मतीन भाई गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और भी हमारे पाकिस्तान के सीनियर्स और अच्छा पोटेंशियल रखने वाले प्लेयर्स जाएंगे, कम्पीट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट उनके साथ है हमेशा। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल के हिसाब से अगर हार्डवर्क की बात की जाए तो वो फिर अपना मेथड अपने ट्रेनिंग के थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, और क्योंकि वो लोग तो अगर बात की जाए एज अ लाइफ स्टाइल आर्म रेसलिंग को लेकर चल रहे होते हैं, कोई भी उनकी सपोर्ट हो तो वो एज अ लाइफ स्टाइल उसको ले कर चलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है तो प्लेयर्स को बस अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, अपनी जितनी भी डेली की रूटीन है, अपने जॉब की या फिर स्टडी की, जो भी वट एवर, उसे मैनेज करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा आर्म रेसलिंग के लिए, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। बाकी उस्मान भाई, मतीन भाई, अली भाई, ये लोग इंशाल्लाह इनके रिव्यू का भी हम वेट करते हैं, ये लोग ख़ुद तो बेहतर बता सकते हैं हमसे ज़्यादा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन थी और क्या क्या चीज़ें, और आई होप इंशाल्लाह इनके रिव्यू से हम सबको फ़ायदा होगा। और बाकी तब तक वेट करते हैं इंशाल्लाह और भी सीनियर जो हैं तो हमारे भाई प्लेयर्स, तो उनके भी रिव्यू का हम लोगों को वेट रहेगा, तो उनके रिव्यूज़ भी देखते हैं। एक रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये ज़मीर भाई ने मुझे नहीं कहा लेकिन ये मैं ख़ुद अपनी वीडियो में कह रहा हूँ, ताकि आपको पाकिस्तान में होने वाली आर्म रेसलिंग के बारे में इस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।